नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, ये 24 न्यूज में आपका स्वागत है। संग्रामपुर प्रखंड के गंडक तटवर्ती गांवों इजरा, बिनटोली, पुछरिया, नौकाटोला, मलाही टोला, दुबौली एवं चंपारण के तटबंध को गंडक नदी के कटाव व भीषण बाढ़ से बचाव के लिए पायलट चैनल का निर्माण अति आवश्यक है। बाढ़ व कटाव की त्रासदी झेल रही पुछरिया गांव की जनता ने पायलट चैनल निर्माण की स्वीकृति जल संसाधन विभाग से नहीं मिलने पर वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। आज गंडक दियारा विकास मंच के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने पायलट चैनल नहीं तो वोट नहीं की आवाज बुलंद की। जानकारी देते हुए मंच के संस्थापक अध्यक्ष अरुण तिवारी ने बताया कि हाल ही में गंडक त्रासदी से बर्बाद ग्रामीणों को शासन प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने संग्रामपुर दियारा से पुत्रिया दियारा तक पायलट चैनल निर्माण का आश्वासन दिया था। इस आलोक में विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, विभागीय मुख्य अभियंता स्तर तक स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन पता चला कि प्रधान सचिव स्तर पर पायलट चैनल के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, जो बाढ़ग्रस्त जनता के साथ नाइंसाफी है। वहीं अध्यक्ष अरुण तिवारी का कहना है कि पायलट चैनल निर्माण की स्वीकृति की मांग को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। मौके पर विनोद सिंह, रवि रंजन सिंह, नरेंद्र सिंह, नवल सिंह, अनिल मिश्रा, अभिषेक तिवारी, जयनाथ सहनी, प्रहलाद यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। संग्रामपुर प्रखंड को गंडक नदी की त्रासदी से बचाने के लिए, बाढ़ एवं कटाव से बचाने के लिए आपको पायलट चैनल का निर्माण ही आज के डेट में एकमात्र उपाय है। पायलट चैनल का निर्माण नहीं होगा तो इजरा से लेकर दुबौली तक 30,000 की आबादी और चंपारण तटबंध को नहीं बचाया जा सकता है। विभाग द्वारा यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, मुख्य अभियंता तक पास हो गया, ऊपर प्रधान सचिव लेवल पर इस प्रस्ताव को लंबित कर दिया गया और प्रोकोपाइन का दिया गया है एस्टीमेट यहाँ पे, उससे कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। हम लोग उस काम को नहीं होने देंगे। हम लोगों को पायलट चैनल का निर्माण ही एकमात्र उपाय है इस गांव को बचाने के लिए, संग्रामपुर प्रखंड को बचाने के लिए, चंपारण तटबंध को बचाने के लिए। कि विभाग द्वारा यहाँ पर पायलट चैनल एवं जियो बाय का जो जीर्ण अवस्था हुआ है या जो बाकी है कटाव स्थल पर, उसको करने के लिए विभाग द्वारा यहां से बना करके प्रस्ताव भेजा गया था और वो उस प्रस्ताव को मुख्य अभियंता तक पास हो गया था। उसके विभाग में पटना से उसको काट दिया गया है और यहां पर विभाग द्वारा आदमी यहां पर आया था नापी करने के लिए, इंजीनियरों को बताया यहां पर परकोपाइन किया गया है, तो परकोपाइन से हमारा गांव भी नहीं बचेगा और नदी भी सुरक्षित नहीं होगा और यहां पर जो परकोपाइन दिया जाएगा उससे यहां पर जान माल की, पशु की, सबकी क्षति होगी। बाढ़ आने पर अगर परकोपाइन उखड़ जाता है, अगर कोई माल उसमें फंस जाता है तो सीधे पशु की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध, परकोपाइन किसी भी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे यहाँ पर, इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर पायलट चैनल निकल जाता है तो इजरा से लेकर के और दुबौली तक चंपारण तटबंध भी सुरक्षित हो जाएगा और हम लोगों का गांव का अस्तित्व भी बच जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार का ग्रामीणों के द्वारा जो विकल्प चुना जा रहा है, इसकी मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि यहाँ से समूचा एथी बना करके लोग पहले विभाग के द्वारा ले गए थे कि हाँ यहाँ पर पायलट चैनल होगा और जो जितना यहाँ से वहाँ तक जियो बाय का कार्य हुआ था, जिन तीन हुआ है समूचा तोड़ तार दिया है, इसको दुरुस्त किया जाएगा और बाकी में जियो बाय किया जाएगा। लेकिन जब विभाग के लोग यहाँ आए नापी करने के लिए तो बोले कि यहाँ से वहाँ ले परकोपाइन का एस्टीमेट सरकार द्वारा पास किया गया है, जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, इसलिए कि उस परकोपाइन से हमारे टोटल ग्रामीण का आना जाना बंद हो जाएगा और जितना भी अगर गाय है, भैंस है, पशु है, वो अगर उसमें फंस जाएगा तो मर जाएगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जब तक हम लोगों को पायलट चैनल अगर नहीं, अगर विभाग द्वारा दिया जाता है और जियो बाय का एथी नहीं करता, तब तक उस अगर नहीं किया जाता है तो हमारे पुछरिया गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसके लिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कितना परिवार प्रभावित हो सकता है? इससे 10,000 परिवार प्रभावित हो सकता है।